केंद्र सरकार बार बार देश में कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने और लोगों से इस सिस्टम को अपनाने की गुजारिश कर रही है, तो विपक्ष इसे लेकर केंद्र पर हमलावर है। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि जिस देश में अब तक नकदी का चलन था, अचानक वहां के लोग इस सिस्टम को अपनाने के लिए कितने तैयार हैं। कैशलेस सिस्टम को लेकर नोएडा के कुछ दुकानदारों से बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। नोटबंदी के बाद विपक्ष ने सरकार पर ये आरोप लगाया कि सरकारी फैसले की वजह से देश की आम जनता परेशान हो रही है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया था। साथ ही साथ अब सरकार ये भी बोल रही है कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा बाजार है या जो परिवेश है, जो भारतीय परिवेश है, क्या इस नए सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं नोएडा के सेक्टर 63 में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की कई दुकानें हैं। यहाँ के लोगों से दुकानदार हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैशलेस जो कि नया सिस्टम एक तरह से माना जा रहा है मदद के लिए, उसको किस हद तक यहाँ के जो दुकानदार हैं वो अपना रहे हैं। आपका नाम क्या है? प्रमोद तिवारी। प्रमोद जी, क्या आप किस चीज़ का स्टॉल लगाते हैं यहाँ पे? सर, खाना है, मैगी और पराठे। यही है सर। अच्छा, तो ये बताइए कि नोटबंदी के बाद कहा गया कि जो काम धंधे हैं, खासकर जो छोटे काम धंधे हैं, जो छोटे मोटे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, आपको भी ऐसी दिक्कत आई थी? नहीं, थोड़ी दिक्कत तो आई सर, लेकिन ठीक है सर, सही है, हम पेटीएम लेते हैं, पेटीएम से हो जाता है। अच्छा, तो अब आप पेटीएम एक्सेप्ट करते हैं? पेटीएम एक्सेप्ट करते हैं सर, पेटीएम से हो जाता है। कब से शुरू किया आपने ये पेटीएम? सर, हमने तो जब ही से दो चार दिन बाद से ही शुरू कर लिया पेटीएम। मतलब जब से नोटबंदी शुरू हुई उसके बाद से आपने पेटीएम। तो जो ग्राहक आते हैं आपके पास, तो क्या ग्राहकों में कुछ कमी आई? हाँ, थोड़ा बहुत सर। कितने लोग ऐसे होते होंगे जो कैश आपको देते हैं और कितने लोग जो पेटीएम से पे करते होंगे, ऐसा कुछ अंदाजन? 20% लोग पेटीएम से पे करते हैं सर। पेटीएम लेते हैं? हाँ जी, लेते हैं। अच्छा, कब से पेटीएम लेना शुरू किया आपने? एक हफ्ता हो गया। अच्छा, एक हफ्ता हो गया। तो कुछ जो बिक्री है उस पर कुछ असर पड़ा जिसकी वजह से आपने पेटीएम लेना शुरू किया? जी, फर्क पड़ा है, 30-40% का फर्क है। अच्छा, मतलब फर्क पड़ा जिसकी वजह से आपने तो ऐसे कितने, मतलब अगर मान लीजिए अगर 100 लोग आते हैं आपके पास, तो ऐसे कितने लोग हैं जो कैश में पेमेंट करते हैं और कितने लोग होते हैं जो पेटीएम से आपको पेमेंट देते हैं? अभी फिलहाल तो 10-20% है सर। 10-20%। आपके हिसाब से ये जो सिस्टम जिसकी बात सरकार भी कर रही है कि लोगों को अपनाना चाहिए, आपके हिसाब से कैसा सिस्टम है ये? ठीक है, सिस्टम ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है चेंज वगैरह की, वो प्रॉब्लम नहीं होगी आगे से तो ठीक रहेगा। अभी तो फिलहाल कमी हो रहा है, लेकिन आगे जाके ठीक हो जाएगा। तो आपको लगवाऊं? शुभम, आप क्या चाय बेचते हैं? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि जब से नोट बंदी हुई है देश में, आपके ग्राहक तो कम हो गए होंगे? जी, थोड़ी बहुत तो फर्क पड़ा है सर। अच्छा, फर्क पड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे जो बोलते होंगे कि यार अकाउंट में पैसा है, जेब में पैसा नहीं है, तो फिर कैसे तुम्हें पैसा देंगे, ऐसे भी लोग? हाँ सर, बोलते हैं तो पेटीएम वेटीएम वगैरह ले लेते हैं उनसे। अभी पेटीएम लेते हैं? कब से पेटीएम आप लेते हैं? वही सर, नोटबंदी के एक महीने बाद हम लोग पेटीएम पन लेने मतलब लगे। 8-10 दिनों से आप पेटीएम ले रहे हैं। आपको ये जो पेटीएम का सिस्टम है कैसा लगा? ठीक लगा, लेकिन थोड़ी बहुत तो फर्क पड़ा ही है। मतलब ग्राहक कम हो गए? थोड़ी बहुत ग्राहक भी कम हुई, मतलब आगे कोई दिक्कत होती है पेटीएम?